अ वेरी गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू गैरी मिनचरिया। आज एक अच्छा दिन होने वाला है, क्यों? क्योंकि गर्मी से थोड़ी राहत मिल रही है, बारिश आ रही है। अब मेरे पीछे देख ही सकते हैं कि अभी उतनी तेज़ बारिश तो नहीं आ रही कि मैं कहूँ कि मानसून ही हिट कर गया, लेकिन स्प्रिंकलिंग टाइप थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है। होप सो कि ये काफ़ी देर चलेगी और ठंडी ठंडी हवा आती रहेगी, फिंगर्स क्रॉस्ड। अब कुछ बारिश ज़्यादा ही तेज़ आ रही है, दो ऑप्शंस हैं, या तो भाग के चला जाऊँ बारिश में, भीग जाऊँ, या फिर रुक कर रहा हूँ। लेकिन मैं भीगना चाहता हूँ बारिश में, सो भाग के जाता हूँ इस बारिश में, मैं क्यों ना भीग। बाय द वे दोस्तों, कल मैं अपना पुराना बैग साफ कर रहा था, मतलब जो मेरे पास पहले होता था वो बैग, देख रहा था उसमें क्या क्या, और कुछ पुरानी चीज़ें मिली जो मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहता हूँ। ये मेरे WDC, जब मैं WDC में था, वुमेन डेवलपमेंट सेल, तब का वॉलंटियर का कार्ड है, गांधी सर्कल का कार्ड है, ये तो अभी अभी जो मैं फैकल्टी ऑफ लॉ का कार्ड है, और मैं काव्यांजलि में भी था, पोइट्री सोसाइटी ऑफ राजधानी कॉलेज, उसका जनरल सेक्रेटरी था। तो बड़ी यादें हैं यार, और याद करता हूँ तो आज बहुत अच्छा लगता है। मैंने एक जगह कोट पढ़ा था कि समटाइम्स यू विल नेवर नो द वैल्यू ऑफ अ मोमेंट अंटिल इट बिकम्स अ मेमोरी। तो जब ये सब कार्ड्स और वो सब चीज़ें, और आपने पिछले ब्लॉग में देखा होगा दोस्तों कि मैंने दुखीज़ और केस मैट्स लिए थे अपने सेकेंड सेमेस्टर के, तो सोचा कि आपके साथ भी शेयर कर दिया जाए। फर्स्ट सेमेस्टर में भी मैंने केस मैट लिए थे। केस मैट्स बेसिकली क्या होता है कि हमारे सिलेबस में जो प्रिस्क्राइब्ड केसेस होते हैं, जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल एविडेंस, अभी मुझे लगा हुआ था एविडेंस के रिलेटेड जो भी जजमेंट्स होती हैं, इंपॉर्टेंट जजमेंट्स होती हैं, केसेस होते हैं, वो हमें पढ़ाए जाते हैं। फर्स्ट सेम में भी लिए थे, लेकिन इतने ज़्यादा काम नहीं आए थे। ठीक है, आप एक बार ही रेफ़र कर लेते हैं, पर उतने ज़्यादा काम नहीं आते, क्योंकि दुक्कीज में बहुत सारे केसेस मिल जाते हैं। तो इस बार ही मैंने उनकी छोटी कॉपीज़ ही ली हैं, ये आपको मिल जाती हैं। मुझे 350 में मिली, 500 के सब्जेक्ट्स की, और सही है यार, क्योंकि एक मतलब बहुत ज़्यादा बारी तो पढ़नी नहीं, तो इसमें सब कुछ दिख भी रहा है, तो ये एक बहुत अच्छी ऑप्शन है। इतनी बात दुख की जाए यार, मैं बहुत बारी, बाकी लोगों के ओपिनियन मेरे से डिफ़र कर सकते हैं, किसी को कोई अच्छी लगती है, किसी को कोई अच्छी लगती है, लेकिन मुझे सिंगल की दुख की सबसे बेस्ट लगती हैं। जैन की दुख में मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही कम मैटर दिया हुआ है, इतना भी कम नहीं पढ़ना। सिंगल की दुख में जितना हमें चाहिए उतना सब कुछ दिया रहता है, अच्छी हैं, सब कुछ सही सही दिया रहता है, और सही है यार। तो मैं भी दुखी से ही पढ़ता हूँ, बाकी बुक्स जो हैं वो तो ऑफकोर्स हैं जो कि मैं खरीद चुका हूँ। और कल एक फोल्डर मिला था जो आपने पिछले ब्लॉग में देख ही लिया होगा, इसे मैं अभी देख रहा हूँ। पेन है, ये नोटपैड है, जो कि बहुत अच्छा है, और वर्कशॉप यार सही में बहुत अच्छी रही थी। अगर आपने वो ब्लॉग नहीं देखा ना अभी तक यार, प्लीज़ जाके देखो, आपको ऊपर में आई बटन के ऊपर वो लिंक मिल जाएगा, आपको उसके ऊपर क्लिक करके आप वर्कशॉप वाला ब्लॉग देख सकते हैं। अगर नहीं देखा ना, दोनों देखो, डे वन का भी डे टू का, और कमेंट करके बताना कि कैसा लगा। ये बिल्कुल द वेरी नेक्स्ट डे है दोस्तों, कल उसके बाद मैं ब्लॉग कर नहीं पाया, सारा दिन बारिश आती रही और मैंने कुछ किया भी नहीं यार, तो इसलिए मैं ब्लॉग नहीं कर पाया। मैंने सोचा कि वो ब्लॉग आज कंटिन्यू कर लूँगा। बाहर अब धूप आ चुकी है, सिर्फ कल का दिन ही बारिश पड़ी, मतलब थर्सडे को, आज फ्राइडे है, तो आज कोई आसार मुझे ज़्यादा लग नहीं रहे। शायद शाम तक बारिश आ जाए या ना आए, मुझे नहीं पता। बाकी आज अभी कोई दिख नहीं रहा कुछ बारिश आ रहा, धूप आ रही है। फ्राइडे एक मेरा ऐसा डे होता है कि सबसे बिजीएस्ट डे होता है, बिजीएस्ट इन द सेंस भी मतलब भी सुबह आज दो बजे से लेके 8 बजे तक लगातार कॉन्टीन्यूसली क्लासेस होती हैं, एक भी ब्रेक नहीं होती। तो आज फ्राइडे है, तो देखते हैं आज कितना बिजी रहता है कितना नहीं। अभी थोड़े टाइम में रेडी होके तो मैं यूनिवर्सिटी चलता हूँ। आज दोस्तों कुछ तो मैं ब्रेकफास्ट के लिए बना रहा हूँ, क्या बना रहा हूँ मुझे खुद नहीं पता, आइडिया नहीं है, सारी सब्जियों को मिक्स करके बस कुछ तो चल रहा है। आई होप आउटपुट थोड़ी अच्छी आएगी। वैसे तो मोस्टली दोस्तों मैं ब्रेकफास्ट में पोहा खाने ज़्यादा पसंद करता हूँ और पोहा ही बनाता हूँ। ब्रेकफास्ट के लिए पोहा एक मतलब मेरी वन ऑफ द फेवरेट डिश है, लेकिन आज सोचा कि थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा ट्राई किया जाए, तो वही कर रहा हूँ। देखने में तो अच्छा लग ही रहा है दोस्तों, लेकिन यकीन मानो खाने में भी अच्छा ही है। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन सही में अच्छा ही बना। Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want.
With you I don't ever feel calm. I could feel sweat. जब निकला था घर से तो बारिश आ रही थी, मौसम गुम सा हो गया, पसीना आ रहा पूरा। मैंने और राहुल ने बीच बीच में से खुफिया रास्ते ढूंढ रखे पड़े मेट्रो स्टेशन जाने के लिए। यहाँ से दो मेट्रो चलती हैं समायपुर वादी और विश्वविद्यालय की तरफ। हम विश्वविद्यालय की वाली मेट्रो पकड़ते हैं क्योंकि वो सीट मिल जाती है उसमें, और तो कुछ नहीं। अभिषेक आ गया। अभिषेक टी शर्ट अच्छी है। तारीफ कर दूँ पहले, ये बाद में कहना कि मेरी टी शर्ट की तारीफ देगी। ये विश्वविद्यालय वाली मेट्रो यहीं से फिर से रीसेट हो गए वापस हो जाती, यही सबसे बेस्ट है, खाली सीट मिल जाती है। वैसे मैं आज सुबह ही कह रहा था कि बारिश नहीं हो रही और अब जाके बारिश होने लगी, तो भगवान ने सुन ली। बारिश हो रही है वैसे, तीन दिन ही हफ्ता था। राम की बातों पे भरोसा नहीं करना, पर फिंगर्स क्रॉस है कि कल शांभवी की बातों पे भरोसा करो, क्योंकि ये हर समय रोती है और झूठ में झूठ बोलती है और कोई काम ही नहीं है इसको। ये देख लो। वैसे आपने पिछले ब्लॉग में भी देखा होगा, ये खाली रोती रहती है। पिछले वाले नहीं, ये वर्कशॉप वाले ब्लॉग में, वर्कशॉप वाले ब्लॉग में सारे में ये रोती रहती है। उसके पिछले वाले ब्लॉग्स में देखोगे ना, सकल ही रोता हुआ है। राम वाले ये भी पूछो। बाय द वे यार, फिंगर्स क्रॉस है कि कल ना बारिश आए, क्योंकि कल यार अगर सुबह बारिश आई तो पहले तो मेट्रो स्टेशन तक ही नहीं पहुंच पाऊंगा, उसके बाद इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। अगर मेट्रो स्टेशन ही नहीं पहुंचा उसके बाद फिर मेट्रो ही नहीं चलेगी। कल घर जाना है, कल सैटरडे है, समय ऑफ रहता है। इसके पापा का, इसके मम्मी पापा का पार्टी दो, चलो हाँ दे दो, कोई बात पार्टी हमें दो। बारिश आ रही है बहुत ज़्यादा और हम चाय पी रहे हैं। नॉर्थ कैंपस में बारिश में एक अलग ही मज़ा। ये चाय की क्या कहते हैं, टपरी कहते हैं, टपरी का वैसे मतलब क्या होता है। ये चाय की शॉप है जहाँ से हम चाय पीते हैं। राम भाई जा रहे हो? अभी वैसे बारिश काफ़ी तेज़ है और शांभवी का कहना है ये घूम क्यों रही। और शांभवी का कहना है कि इस बारिश में यूलू बाइक लिया जाए। लेंगे नहीं यूलू बाइक, बारिश में पूरे भीग जाएंगे। फिर बैग फिर अंदर रख देते हैं, ठीक है, ओके, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। राम भाई बारिश में कह रहे हैं यूलू बाइक चलानी है, चले उधर चलते हैं, पहाड़ों बंदरों की तरफ। सुनो चलो, अभी हम यूलू बाइक लेने जा रहे हैं, यूलू बाइक ले रहे हैं। मौसम बहुत ही अच्छा है नॉर्थ कैंपस में, इस टाइम पूरी बारिश आ रही है और बारिश में मैं ये एरिया पहली बार, मतलब इस एरिया में हूँ, इससे पहले मैं कभी भी नहीं था। जब भी बारिश आई मैं घर था, और होपफुली यूलू बाइक मिल जाए क्योंकि वो बारिश में चलाने का अलग ही मज़ा। ऑफिशियल इंट्रोडक्शन करा रहा हूँ, सही तरह स्माइल करो ज़रा, क्योंकि शांभवी भी मुझे कंप्लेंट करती रहती कि मैं इसे रोता ही दिखाता रहता हूँ हमेशा। अब खुश हो जाओ, थोड़ा इधर देख के ज़रा स्माइल कर दो, एक बार स्माइल। अब खुद नहीं कर रही फिर बाद में मुझे कहेगी। ये दिनकर भैया का बुक स्टॉल है, ऊपर इन्होंने ये लगाया रखा बारिश की वजह से। आप थोड़ा मुँह तो सीधा करो, कैसे आ रहे हो? क्योंकि मेरा मुँह सीधा नहीं हो रहा है। थोड़ा मुँह सीधा करो। और ये दिनकर भैया, पता नहीं दिनकर भैया बहुत दिनों से आ नहीं रहे वैसे यहाँ पे, पता नहीं क्या बात हो। शांभवी ने 10 ईयर लेने थे, पास्ट 10 ईयर, तो इसलिए आए हैं। उसके बाद यार हम एक लेके कैसे घूमेंगे, यूलू बाइक लेने यहाँ हिंदू कॉलेज के सामने आए, लेकिन यहाँ एक ही है यार, और बाकी सब जगह भी लोकेशन मैंने देखी ज़्यादा मिल नहीं रही, शायद वेदर के कारण, शायद सब बच्चे ले रहे हैं। बाय द वे पीछे मेरे सेंट स्टीफन है और इधर हिंदू कॉलेज है, आप जानते ही होंगे बहुत फेमस कॉलेजेस हैं दोनों। सेंट स्टीफन तो कुछ ज़्यादा ही खास, बहुत फेमस यहाँ पे ग्रीन कैफे है, वहाँ से हम वैसे आए फ्रूट, ये क्या है फ्रूट बेर है भाई, कुछ और बोले तो ग्रीन कैफे आए हैं। मैगी बहुत फेमस है, मैगी पर हम खा नहीं रहे, लिया तो हमने चिप्स और ये ले आई थी मैगी खिलाने। हाँ मैगी क्यों नहीं खा रहा? अरे नहीं यार मैं ऐसे ही भर दिया दिमाग में, खा लो सही। हमने कुछ नहीं किया ना, यूलू बाइक ना कुछ, और वापस यूनिवर्सिटी आ चुके हैं क्लास लेने के लिए, ताकि क्लास का थोड़ा टाइम भी मिस ना। चले राम कोई कुछ नहीं चलाया। राम भाई शक्ल दिखा दो, बैग मार रही देखो। राम भाई बताओ असली रास्ता, ओ पता ब्लेड की तरह बैग बचता है। बारिश तो बहुत ज़्यादा आई है, ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा ना कि हमें स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, तो उसके ऊपर अभिषेक कुछ कहना चाहता है। ये जो यार जिसने भी मेट्रो बनाया है
वो बहुत अच्छा काम किया है, मैं उसको मतलब क्या दिल से जो है आशीर्वाद देना चाहता हूँ। मैं इतने गर्मी से आओ और इतने ठंडी में बैठ जाओ, बहुत अच्छा लगता है, मन एकदम खुश हो जाता है। मैं तो उसे मिले तो उसको क्या बताएं कि जफी बात मतलब मन खुश हो जाता है, भगवान उसका भला करे। तो इसी के साथ दोस्तों, इसी खुशी के साथ ये ब्लॉग यहीं रखते हैं। अगर आपको पसंद आया तो आप जानते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब, लाइक करें सब्सक्राइब करें कमेंट करें हमें बताएं। हाँ कमेंट जरूर करेंगे आपको कैसा लग रहा है, ठीक है, कैसे ब्लॉग्स लग रहे हैं कैसे नहीं, आप प्लीज़ कमेंट करें। और कुछ कहना है बाकी बहुत कुछ कहना है, लेकिन अब आगे आने वाले ब्लॉग बताएंगे और आपको कहते हुए दिखेंगे। थोड़े टाइम से अभिषेक कुछ बोल नहीं रहा था ब्लॉग्स में, अब बोलेगा। अब मैं हमेशा ज़्यादा बोलने की कोशिश करूँगा, तुम लोग से ज़्यादा। ये सही बात है। तो बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखें। अभी हम मैं भी घर जा रहा हूँ, कल घर निकल रहा हूँ, बस बारिश ना, सुबह बारिश ना आए वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी। होप फॉर द बेस्ट। फिर मिलेंगे मंगलवार को, ट्यूसडे। मैं हाँ मंडे को मैं वापस आ जाऊँगा, ट्यूसडे को यूनिवर्सिटी जाऊँगा। सो बाय बाय, टेक केयर। सिरसिरी देख रहा है ब्लॉग। अरे यार चाबी ट्रस्ट ही नहीं करती यार, जरा सा ट्रस्ट नहीं करती है। अभी हम अभी वैसे बारिश काफी तेज है और शाम भी का कहना है ये घूम क्यों रही Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want.